गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। आप सबों को मेरे इस चैनल हाई जी के जी एस बाय डॉक्टर सुमन पर स्वागत है। आज हम कर्नाटक का अंतिम युद्ध अर्थात कर्नाटक का तृतीय युद्ध पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग कर्नाटक के प्रथम युद्ध और कर्नाटक के द्वितीय युद्ध से अवगत हो गए हैं। फिर से वही बात कहना चाहूँगा, आपको साथ करा दूंगा सारे तथ्यों को वीडियो के साथ, लेकिन पूरा देखिएगा। हम किसी भी युद्ध का जब या युद्ध के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसकी अगर संरचनात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो तीन ही चीज देखना पड़ता है हमको, उसकी पृष्ठभूमि में उसका कारण क्या था, उसकी घटनाएं क्या हुआ और यह युद्ध समाप्त कैसे हुआ और इसके प्रभाव क्या हुए। तो हम यहाँ पे तीन चीज पढ़ेंगे, इसके कारण क्या थे, घटनाएं क्या था और किस संधि से यह समाप्त हो गया। देखिए, आपको रिमाइंड करा दूं, कर्नाटक का प्रथम युद्ध जब हम पढ़े थे तो उसमें हम पढ़े थे कि इसका जो कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का प्रश्न था और तत्कालिक कारण था अंग्रेजी कैप्टन बर्नेट द्वारा फ्रांसीसी का जहाज का कब्जा कर लेना। जबकि द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण हम पढ़े थे कि हैदराबाद एवं कर्नाटक में क्रमशः निजाम एवं नवाब के पद के लिए दावेदारी के प्रश्न पर यह युद्ध हुआ था। यानी यहाँ पे भी हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार के प्रश्न पे युद्ध हुआ था। आज जो हम देखेंगे इसका कारण भी वैश्विक है और आप लोग को मैं पहले भी बताया हूं, यदि कारण वैश्विक होता है तो प्रभाव भी वैश्विक होगा और इसका निदान भी वैश्विक होगा। देखिए, कारण इसका वैश्विक कैसे है, इसके कारण में हम लोग पढ़ते हैं कि इसका जो प्रमुख कारण था, इसका कारण था सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ हो जाना। सप्तवर्षीय युद्ध का मीनिंग होता है 7 वर्षों तक चलने वाला एक युद्ध जो कि यूरोप में चला था। यूरोप में चलने वाला 7 वर्ष का युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध कहलाया। इसका जो समय था 1756 से 63 ईस्वी तक था। 7 वर्ष हुआ, 7 वर्ष चला यह युद्ध और इसलिए इसको क्या कहा गया, सप्तवर्षीय युद्ध कहा गया। अब थोड़ा सा सिर्फ सप्तवर्षीय युद्ध जानने पर आप लोग की वो कह सकते हैं कि तृप्ति नहीं मिलती है, तो हम इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, सप्तवर्षीय युद्ध आखिर क्या था और यह क्यों हुआ। तो सप्तवर्षीय युद्ध का कारण था दोस्तों, आप लोग को प्रथम कर्नाटक युद्ध में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का प्रश्न के बारे में हमको बताए थे आपको, और हम बताए थे कि ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार था वो मारिया थेरेसा थी और मारिया थेरेसा जो है गद्दी पर बैठी भी। अब मारिया थेरेसा ने क्या किया, मारिया थेरेसा ने साइलेसिया नामक जगह है जो कि ये पोलैंड में ये ज्यादा पड़ता है, इसका क्षेत्र कुछ चेक गणराज्य में है और कुछ इसका जो हिस्सा है जर्मनी में है। और साइलेसिया पर जब ये आक्रमण किया तो पर्सा के राजा को ये उचित नहीं बुझाया और पर्सा के राजा जो फ्रेडरिक ग्रेट था वो भी इस बात को पहले से ही वादा कर चुका था कि किसी भी कीमत पर साइलेसिया की वह रक्षा करेगा। तो स्वाभाविक बात था कि एक तरफ पर्सा हो गया और दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया हो गया और यहां पे ऑस्ट्रिया का पक्ष फ्रांस ले लिया जबकि पर्सा का पक्ष इंग्लैंड ले लिया। तो एकदम देखिए कि आपको पिक्चर समझ में आ रहा है कि मारिया थेरेसा द्वारा साइलेसिया नामक मध्यवर्ती यूरोप के क्षेत्र पर आक्रमण करना और उस क्षेत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी पर्सा के राजा को था, फ्रेडरिक ग्रेट को था। और तब फ्रेडरिक ग्रेट के पक्ष में कौन आ गया, पर्सा के पक्ष में इंग्लैंड आ गया और ऑस्ट्रिया के पक्ष में कौन आ गया, फ्रांस आ गया। तो देखिए, इंग्लैंड और फ्रांस जो कि यहाँ पे भारत की धरती पर लड़ेगा कर्नाटक के तृतीय युद्ध, ये दो अलग अलग गुटों में आ गया। इसका एक और छोटा कारण था कि जो पर्सा था वो खुद एक सेक्सोनी नामक स्थान पे, सेक्सोनी जो है अभी अभी की स्थिति में जर्मनी का कुछ क्षेत्र है, वहां पे आक्रमण किया। ये होली एम्पायर कहा जाता था सेक्सोनी और यह भी कारण बना था सप्तवर्षीय युद्ध का। और व्यापारिक जो इसके
इंटरेस्ट थे और सामरिक जो इंटरेस्ट थे और इसके औपनिवेशिक विस्तार के जो कारण थे, ये तो कॉमन काउज था ही। तो आप लोग अब समझ में आया होगा कि सप्तवर्षीय युद्ध का कारण क्या था। मुख्य कारण था, जो एक प्रकार से कह सकते हैं जो एग्रावेट किया इस कारण को, वो ये था कि ऑस्ट्रिया ने साइलेशिया पर आक्रमण किया और पर्सा ने सेक्सोनी पर आक्रमण किया और साथ ही साथ व्यापारिक हित की पूर्ति, सामरिक स्थिति को सुपरियोरिटी साबित करना और उपनिवेशिक विस्तार जो है सप्तवर्षीय युद्ध का एक कारण था। इसी सप्तवर्षीय युद्ध में एक चीज और बता देना चाहूंगा कि अमेरिका में फ्रांस और इंग्लैंड दोनों के उपनिवेश थे और वहां पे अक्सर इसके उपनिवेश के क्षेत्र में हिस्सा होता था, क्योंकि वहां पे सीमा का निर्धारण नहीं हो गया था कि फ्रांस का कितना सा हिस्सा है और ब्रिटेन का कौन सा हिस्सा आता है। तो ये सप्तवर्षीय युद्ध का ये भी एक कारण था। तो आप अब देख सकते हैं कि यूरोप में होने वाली घटनाएं में भी फ्रांस और जो है ब्रिटेन अलग अलग ग्रुप में है। अमेरिका में जो घटना हो रही थी, अमेरिका में जो लड़ाई हो रहा था उपनिवेश के चलते, वहां भी फ्रांस और ब्रिटेन का दो गुट में होना था। तो अब आपको समझ में आया है कि कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध का कारण है वो यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध था। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए, यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध मुख्य कारण था, लेकिन इसके तत्कालिक कारण भी अगर आज पूछे, क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हो जा रहा है और मैं देखा हूं क्वेश्चन बार बार तत्कालिक कारण पर भी पूछ रहे हैं, तो इसके तत्कालिक कारण क्या थे। ये तो यूरोप में घटनाएं घट रही थी, उसका निसंदेह भारत पर प्रभाव था, कर्नाटक के तृतीय युद्ध पर प्रभाव रहा, लेकिन इसके तत्कालिक कारण क्या हुआ। 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल में जो अभी चंद्रनगर है उसको यह जीत गया। चंद्रनगर फ्रांसिसियों का हिस्से में था, चंद्रनगर फ्रांसिसियों की कोठी था, वो जीत गया। कौन? अंग्रेज। वो उस समय अंग्रेज कौन था? क्लाइव और बाटसन। क्लाइव तो आप लोग जानते हैं और बाटसन उस समय का नौसेनापति था। दोनों मिल करके फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर को जीत गया। यह बर्दाश्त होने वाली बात थी? बिल्कुल नहीं। फ्रांस रुकने वाला था? बिल्कुल नहीं। इसलिए फ्रांस की सरकार ने काउंट लेली को एक शक्तिशाली सेना के साथ भारत भेजा। कब? 1758 में। अब देखिए क्रोनोलॉजी से हम आसानी से पढ़ेंगे। 1756 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों? सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था। 1757 ईस्वी में क्या हुआ? चंद्रनगर को जो फ्रांसीसी बस्ती था, कौन? अंग्रेज जीत गया। तो उसके जस्ट एक साल बाद 1758 ईस्वी में काउंट लेली को एक शक्तिशाली सेना के साथ फ्रांस की सरकार भारत की धरती पर भेज दिया। तो तीन घटनाएं अभी तक सीखे और तीनों सीरीज में 56, 57 और 58, तो यहां तक क्लियर हो गया। और जैसे ही काउंट लेली भारत पहुंचा तत्क्षण उसने सेंट डेविड के किला पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों को मौका ही नहीं मिला कि सेंट डेविड की किला को रक्षा कर सके। और सेंट डेविड की किला आप लोग को दोस्तों बताएं कि मद्रास में, जो कि अंग्रेजों ने बनवाया था और अंग्रेजों का अधीन था सेंट डेविड का किला। अब सेंट डेविड के किला को कौन जीत गया? काउंट लेली जीत गया। अब सीरीज को देखिएगा, बहुत मजा आने लगेगा। 1757 ईस्वी में चंद्रनगर को अंग्रेज जीता था, तो उसके बदला में फ्रांसिसियों ने उसका सेंट डेविड का किला मद्रास जीत गया। अभी तक बराबरी का चल रहा था। अब देखिए, आप कल आपको हम बताए थे कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में जो घटनाएं तक घट रही थी कर्नाटक में, उसके बाद बूसी को कहां भेज दिया था? बूसी को हैदराबाद भेज दिया था, जो उसका सेनापति था। और वही बूसी आपको याद दिलाता हूं कि सलाबत जंग को है, जो कि चिंकलिज खां का तीसरा पुत्र था, उसको क्या बनाया था? नवाब बनाया था। यानी फ्रांस के अधीन जो नवाब बना था सलाबत जंग, कौन बनाया था? बूसी ने बनाया था। बूसी हैदराबाद में ही था। अब काउंट लेली को लगा कि हम अपनी स्थिति को और मजबूत अच्छा कर लें, सेंट डेविड किला तो ऑलरेडी जीत चुके हैं, तो बूसी को जल्दी से हैदराबाद से यह बुला लिया। कहां बुला लिया? मद्रास बुला लिया, क्योंकि उसको मद्रास पर आक्रमण करना था। सेंट डेविड किला तो जीत चुका था, अब पूरे मद्रास को जीतना था।
तो देखिए पूरे मद्रास को जीतने के लिए बूसी को यहाँ बुलाया। कई इतिहासकार यहाँ पे एक बात लिखता है कि बूसी को हैदराबाद से बुलाना काउंट लेले के लिए एक प्रकार से दुर्भाग्य था और यह सबसे बड़ी भूल थी, यह हम बाद में बताएंगे। तो अभी तक हम इतना बताएं कि बूसी जो हैदराबाद में था उसको बुला लिया किस लिए, मद्रास के किला पर आक्रमण करने के लिए। मद्रास के किला पर यह आक्रमण कर भी देता है देखिए, और सेंट डेविड किला के साथ ही जो है इसको मद्रास को भी जीत जाता है। कौन? फ्रांसीसी मद्रास को भी जीतता है। बूसी कहां पर आ गया? हैदराबाद से बाहर आ गया। अब क्या करता है? अब अंग्रेज चुप बैठ नहीं सकता था। अंग्रेज, मैं कल भी बताया था, वो कूटनीति का सहारा लेता है और वो सोच समझ की रणनीति बनाता है। और अब अंग्रेज जो है वो सीधा मद्रास को बचाने के लिए मद्रास की धरती पे नहीं लड़ता है, वो उत्तरी सरकार पर कब्जा कर लेता है। दोस्तों आप लोग को मैं बताऊं, उत्तरी सरकार थोड़ा सा जानकारी के लिए बता देता हूं। मान लीजिए ये दक्षिण भारत का नक्शा है। उत्तरी सरकार जो होता है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच का ये तटीय शहर है। इसमें 5 शहर आते हैं टोटल। कितने आते हैं दोस्तों? 5 शहर आते हैं और ये सारे के सारे आंध्र प्रदेश के आते हैं। गुंटूर से स्टार्ट होता है, इधर अगर ये गुंटूर से स्टार्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आके श्रीकाकुलम तक जाएगा। ये कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट और श्रीकाकुलम, ये 5 जो है जिला कौन सा? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच का तटीय क्षेत्र को उत्तरी सरकार बोलते हैं। ये तो ज्योग्राफी में भी कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है और आपको जानकारी के लिए बता दिए। तो जहाँ फ्रांसीसी मद्रास को जीता था, अब क्या किया अंग्रेजों ने? उत्तरी सरकार को जीत लिया। अब जब उत्तरी सरकार को ही जीत लिया तो ये पूरा क्षेत्र जो है तटवर्ती क्षेत्र है, तब लेली का हालत जो है स्थिति उसका खराब हो गया, लेली का पांव उखड़ गया क्योंकि वो उत्तरी सरकार को जीत लिया था। अंग्रेज इस साइड से, चूंकि अंग्रेज इधर ही चंद्रनगर है, आपको बताओ चंद्रनगर यही यहां से यहां तक अब अंग्रेजों के हाथ में है और ये वाला क्षेत्र थोड़ा सा इसके पास है, फ्रांसीसी के पास है, अब कहीं इसके पास जगह नहीं बचता है। इसीलिए यहाँ पे फिर एक बहुत बड़ा युद्ध होता है मांडीवास, वो भी एक तमिलनाडु में ही है। मांडीवास, मांडीवास में युद्ध होता है। कब? 1760 ईस्वी में। अभी तक 1760 ईस्वी में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ जो निर्णायक युद्ध साबित हुआ, वो मांडीवास का युद्ध था। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की शक्ति को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया गया। फ्रांसीसियों की शक्ति को नेस्तनाबूद कर दिया दोस्तों, किस युद्ध में? मांडीवास के युद्ध में। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है किस युद्ध में फ्रांसीसी शक्ति का हनन हो गया या फ्रांसीसी शक्ति समूल रूप से नष्ट हो गया, तो मांडीवास का युद्ध होगा। ठीक है, कब हुआ था? 1760 ईस्वी में हुआ था। 1760 ईस्वी में मांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की शक्ति इतना बुरी तरह से प्रभावित हुआ कि 10 साल बाद यानी इसके 10 साल बाद 1760 के 10 साल बाद 1770 ईस्वी के आसपास फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का बोरिया बिस्तर बांध करके बंद करना पड़ा। इतना बड़ा इसका इफेक्ट था। तो हम देखिए, जब वो मांडीवास का निर्णायक युद्ध जीत लिया तो पांडिचेरी को क्यों छोड़ता है? यहाँ पे जो पांडिचेरी है, पांडिचेरी को भी कब्जे में ले लिया, तो ये पांडिचेरी को भी 1761 ईस्वी में अंग्रेज जीत लिया। अब फ्रांसीसी के पास कुछ खास चीज बचा नहीं था। और इसी बीच में 1763 ईस्वी में यूरोप में एक संधि हो जाता है, क्योंकि हम बताए थे आपको कि कारण इसका वैश्विक है तो इसका जो है सॉल्यूशन भी वैश्विक होगा। तो यूरोप में संधि हुआ जिसका नाम था पेरिस की संधि, जिसमें फ्रांस और अंग्रेज के बीच में समझौता हो गया और उस संधि से कर्नाटक के तीसरे युद्ध को भी खत्म कर दिया। यह क्वेश्चन पूछेगा कि कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि से खत्म हुआ, तो कौन सा संधि होगा? पेरिस की संधि होगा। यहाँ पे मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ आपको रिमाइंड कराने के लिए कि देखिए, पहला भी जो कर्नाटक युद्ध हुआ था उसका कारण क्या था? वैश्विक था, इसीलिए उसकी संधि भी एलाचेपल की संधि हुआ, वैश्विक संधि था यानी यूरोप में संधि हुआ था। दूसरा, चूंकि रीजनल था यानी भारत की धरती पर का कारण भी था और युद्ध भी भारत के धरती पर लड़ा, इसीलिए संधि भी भारत के धरती पर हुआ पांडिचेरी। लेकिन तीसरा पुनः क्या हुआ? वैश्विक था कारण, इसलिए संधि भी वैश्विक। तो याद करने का ये सब जो है थोड़ा थोड़ा आप लोग कैसे इसको अपने माइंड में सेट करते हो वो करना है। तो ये पेरिस की संधि से कर्नाटक का तृतीय युद्ध समाप्त हो गया। अब देखिए कि दोस्तों, इसमें वो सारे चीज आप लोग को अब क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया।
अब जो है पेरिस की संधि से जो कि 1763 ईस्वी में हुई थी उससे फ्रांस और इंग्लैंड दोनों के बीच में संधि स्थापित हो गया और कर्नाटक का तृतीय युद्ध भी समाप्त हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज जानना हमको है कि आखिर पेरिस की संधि से कर्नाटक का तृतीय युद्ध समाप्त हुआ लेकिन संधि में आखिर हुआ क्या। तो संधि में चूंकि आपको बताया ही कि बांडीवास का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था जिसमें जो फ्रांसी शक्ति नष्ट ही हो गया था, अब फ्रांसीसी शक्ति यहाँ पे रह ही नहीं सकता था, उसकी समानांतर हो ही नहीं सकता था। और आपको एक चीज बता दूं कि इसमें कभी कभी एक क्वेश्चन पूछता है बांडीवास के युद्ध का जो है अंग्रेज का नेतृत्व, अंग्रेजी नेतृत्व किसने किया था। तो बांडीवास का जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजी नेतृत्व सर आयरकूट ने किया था, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। कौन? सर आयरकूट, आयरकूट किया था। और अब संधि ऐसा ही होना था जिसमें कि फ्रांसीसी शक्ति के रूप में ना उभरे। तो संधि में तय किया गया कि 1749 ईस्वी तक, कब तक? 1749 ईस्वी तक जो क्षेत्र फ्रांसीसी के अधीन है वो सभी वापिस फ्रांसीसियों को दे दिया जाएगा। और जो है वही हुआ 1749 ईस्वी तक जितने क्षेत्रों पर, जितने क्षेत्रों पर भारत में फ्रांसीसी का अधिकार था सब फ्रांसीसी को लौटा दिया। 1770 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दिया गया। लेकिन यह जो क्षेत्र फ्रांसीसी क्षेत्र 1749 ईस्वी के बाद का अब तक जो भी फ्रांस के पास था वो भारत की स्वतंत्रता तक उसके अधीन ही रहा, पुनः जो है अंग्रेज उस पर धावा नहीं बोला और अंग्रेज उससे नहीं छीना। इस प्रकार से हम देखें कि किस प्रकार से इसका जो इसका कारण था और इसकी घटनाएं क्या था और इसके प्रभाव क्या हुआ। तो पेरिस की संधि में एक इम्पॉर्टेंट बात यह हुआ कि फ्रांसीसियों को वो सारा जगह, वो सारा क्षेत्र जो 1749 ईस्वी तक उसके अधीन था लौटा दिया गया। 1770 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति हो गई, लेकिन फ्रांसीसियों का क्षेत्र भारत में कब तक रहा? जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो गया तो फ्रांसीसी के पास वो क्षेत्र रहा ही रहा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो तथ्य के साथ अगर समझ भी बनाता है और आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो और भी आपको लगातार मिलते रहेंगे। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।